A very good morning to all my dear kids and parents. Hope you all are fine. So today is our GK subject and we are going to do chapter number 15 and 16. So all of you take out your GK textbook. We are going to start with our chapter number 15, Superlative in India. आपको पता है हमारे इंडिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं. आपको पता ही होगा कि हमारे, जैसे मैंने बताया कि इंडिया में बहुत सारे रिवर्स हैं, माउंटेन्स है, वाटरफॉल्स है. सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस या फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है एंड वी हैव टू राइट द आंसर. नंबर वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर. आपको पता है इंडिया में लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? सो द लॉन्गेस्ट रिवर इज गंगा. गंगा रिवर इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट मीन्स बहुत दूर तक जाने वाला रिवर है. ओके, गंगा के दो तीन किनारे हैं, वो बहुत स्टेट्स में, दो तीन स्टेट्स में आगे जाती है, वो इतनी लॉन्ग रिवर है. ओके, नंबर टू द लॉन्गेस्ट सी बीच. द लॉन्गेस्ट सी बीच मीन्स कोस्ट लाइन. आप सी पे तो गए हो, जैसे हमारे इधर डुमस है, बॉम्बे में है, बॉम्बे में बीच है. सो द लॉन्गेस्ट सी बीच इन इंडिया इज मरीना बीच एंड इट इज इन चेन्नई. मरीना बीच कहाँ पे है? चेन्नई में है और वो लॉन्गेस्ट बीच ऑफ इंडिया है. नंबर थ्री द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक. सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कहाँ पे है? सो इट इज इन आंध्र प्रदेश एंड इट्स नेम इज कोलेरू लेक. ओके, कोलेरू लेक इट इज इन एपी मीन्स आंध्र प्रदेश. नंबर फोर द हाइएस्ट वाटरफॉल. द हाइएस्ट वाटरफॉल कहाँ पे है हमारे इंडिया में? कंचिकल वाटरफॉल एंड इट इज इन कर्नाटका. इट इज इन कर्नाटका, कंचिकल वाटरफॉल इट इज इन कर्नाटका. नंबर फाइव द हाइएस्ट डैम. हाइएस्ट डैम कहाँ पर है हमारे? उत्तराखंड में है एंड इट्स नेम इज टेहरी डैम. इट्स नेम इज टेहरी डैम एंड इट इज इन उत्तराखंड. नंबर सिक्स द लार्जेस्ट डेजर्ट. डेजर्ट मीन्स आपको पता है जैसे राजस्थान में डेजर्ट होता है और वहाँ का ही डेजर्ट, थार डेजर्ट सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है. द लार्जेस्ट डेजर्ट इज थार एंड इट इज इन राजस्थान. ओके, नाउ गोइंग टू नेक्स्ट. नंबर सिक्स हमने कर लिया द लार्जेस्ट डेजर्ट दैट इज थार एंड इट इज इन राजस्थान. नंबर सेवन द लार्जेस्ट रिवर ब्रिज. रिवर ब्रिज मीन्स जो ब्रिज जो रिवर से क्रॉस होके जाता है एंड दैट इज महात्मा गांधी सेतु एंड इट इज इन पटना. द लार्जेस्ट रिवर ब्रिज का कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु. इट इज इन पटना. नंबर एट द लार्जेस्ट गुरुद्वारा. लार्जेस्ट गुरुद्वारा कहाँ पे है? ये बहुत फेमस टेम्पल है और इसके पिक्चर्स, इसको हम मूवीज में भी देखते हैं. इट इज गोल्डन टेम्पल. इट इज इन अमृतसर. गोल्डन टेम्पल एंड इट इज इन अमृतसर. ओके, नंबर नाइन द लार्जेस्ट मॉस्क. मॉस्क मीन्स मस्जिद. द लार्जेस्ट मॉस्क कहाँ पे है? इट इज इन दिल्ली एंड इट इज नोन एज जामा मस्जिद. द लार्जेस्ट मॉस्क कहाँ पे है? दिल्ली में एंड इट्स नेम इज जामा मस्जिद. द हाइएस्ट पीक. द हाइएस्ट पीक कहाँ पे है? माउंट गोडविन ऑस्टिन. कहाँ पे है? माउंट गोडविन ऑस्टिन. ओके, नंबर 11 द लार्जेस्ट जू. जूलॉजिकल गार्डन. द लार्जेस्ट जू कहाँ पे है? कोलकाता में एंड इट्स नेम इज जूलॉजिकल गार्डन. नंबर 12 द लार्जेस्ट डेल्टा. लार्जेस्ट डेल्टा है सुंदरबन. ओके, सो दिस एक्सरसाइज इज फिनिश एंड यू हैव टू डू इन योर टेक्सटबुक पेज नंबर 28 Superlatives in India. Now going to next chapter, chapter number 16, Music from India.
आप म्यूजिक तो जानते ही होंगे, लेकिन आपने अभी जो म्यूजिक चलता है, अभी जो सॉन्ग्स आते हैं हिप हॉप पॉप सॉन्ग्स, वो सब सुने होंगे। ये क्लासिकल म्यूजिक की बात चल रही है, जहाँ पे एक कुछ सिंगर्स दिए हुए हैं एंड द वे दे आर सिंगिंग, उनके स्टाइल ऑफ सिंगिंग हमें लिखना है। ओके, वो कौन सा सुर, कौन सा सिंगिंग का स्टाइल वो गाते थे, वो हमें लिखना है। लुक इन द पिक्चर और इन योर बुक द मिडल कॉलम, नंबर वन इज कर्नाटिक, नंबर टू इज ध्रुपद, नंबर थ्री इज हिंदुस्तानी एंड नंबर फोर इज ठुमरी। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, ए बी सी डी, दीज आर द सिंगर्स, ये सारे सिंगर्स हैं, उनके नेम भी दिए हुए हैं। अब हमें ये सिंगर्स के नेम से ये मिडल जो नेम दिए हुए हैं सिंगिंग स्टाइल, स्टाइल ऑफ सिंगिंग, उसको मैच करना है। ओके, सो ए, लुक एट द पिक्चर ए, ओके, उनका नेम है उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। उनका क्या नेम है? उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। और उनका सिंगिंग स्टाइल क्या है? उनका सिंगिंग स्टाइल था ठुमरी, नंबर फोर। सो आपको यहाँ पे लिखना है नंबर फोर। ओके, बी इज मिसेस सुबुलक्ष्मी, इनका सिंगिंग स्टाइल क्या था? स्टाइल ऑफ सिंगिंग क्या था? कार्नेटिक। इनका सिंगिंग स्टाइल था कार्नेटिक। तो नंबर बी में लिखेंगे वन। ओके, नाउ सी, उस्ताद जहीरुद्दीन डगर, इनका स्टाइल ऑफ सिंगिंग क्या था? इनका स्टाइल ऑफ सिंगिंग था ध्रुपद, नंबर टू। ध्रुपद है नंबर टू। सो हियर यू राइट नंबर टू। ओके, नाउ शुभा मुद्गल, मुद्गल, इनका सिंगिंग स्टाइल क्या था? इनका सिंगिंग स्टाइल था ठुमरी। द स्टाइल ऑफ सिंगिंग ऑफ शुभा मुद्गल इज ठुमरी। सो राइट हियर नंबर फोर। ओके, नाउ ई, मणि कृष्ण स्वामी, नंबर ई मणि कृष्ण स्वामी, और इनका स्टाइल ऑफ सिंगिंग क्या था? कार्नेटिक। इनका सिंगिंग स्टाइल था कार्नेटिक। सो राइट हियर नंबर वन। ओके, नाउ एफ, पंडित जसराज, उनका सिंगिंग स्टाइल क्या था? पंडित जसराज का स्टाइल ऑफ सिंगिंग था हिंदुस्तानी, वो हिंदुस्तानी टाइप के स्टाइल से सिंगिंग करते थे। तो उनका कॉलम में लिखेंगे नंबर थ्री। ओके, देन अबव एफ जी इज देयर कुमार गंधा गंधारवा, नंबर जी है कुमार गंधारवा, और उनका स्टाइल ऑफ सिंगिंग था हिंदुस्तानी। सो इन दैट कॉलम ऑल्सो यू हैव टू राइट थ्री। ओके, नेक्स्ट इज उदय भवालकर, और उनका सिंगिंग स्टाइल भी हिंदुस्तानी ही था। सो हम लिखेंगे हियर वी राइट नंबर थ्री। रीता गांगुली, उनका भी सिंगिंग स्टाइल हिंदुस्तानी ही था। सो हियर यू राइट नंबर थ्री। ओके, लाइक दिस यू हैव टू मैच दिस सिंगर्स विद देयर सिंगिंग स्टाइल इन योर टेक्स्ट बुक। आपको ऐसे मैच करके उनके नंबर या उनके कॉलम में लिखना है। एंड यू नो दिस, पूर्णिमा चौधरी इज द फेमस सिंगर ऑफ ठुमरी। पूर्णिमा चौधरी करके एक और सिंगर थी,
और वो फेमस थे उनके सिंगिंग में ठुमरी से. ओके सो आपको ये देख के या आपके पीडीएफ देख के आपके नोटबुक में ये एक्सरसाइज करना है. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. माइसेल्फ तंजिल सैयद, टीचर ऑफ रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल, साइनिंग आउट. स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय.